नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज की इस बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दशक न्यूज़ में। आज हम दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो, वो समाचार जो इस समय दशकों में सबसे ज़्यादा चर्चित हो रहा है। कोर्ट आदेश दिए हुए लगभग 2 महीने बीतने जा रहे हैं, अभी तक सरकार ने मानदेय 17,000 अनुदेशकों का नहीं दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुदेशक लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार के जनप्रतिनिधियों से ये पूछ रहे हैं कि उनका मानदेय 17,000 अब तक क्यों नहीं दिया गया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो भदोही से देखिए क्या कहा सांसद। प्रदेश में अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में तैनात हैं, मैं उसको दिखवा लेता हूँ जो भी मामला रहेगा और साथ साथ बात से जो मदद नहीं, उसमें 45 दिन हो गया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि उन्हें 17,000 दिया जाए, लेकिन आज तक हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पर क्या कहेंगे? किस मामले में जो अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात हैं, 10 से 4 ड्यूटी वो भी करते हैं, शिक्षक भी करते हैं, और उनको मानदेय मात्र 9,000 मिलता है और जो उनके साथ पढ़ाते हैं किसी को 90,000, किसी को 1,00,000, किसी को 60,000, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब उसके बारे में जो हाई कोर्ट से आदेश आया है उस मुद्दे पे मैं अधिकारियों से बैठ करके मीटिंग बात करके उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इम्प्रूविंग टीचर्स सिक्योरिंग द नेशंस फ्यूचर। साथियों, हमारे शिक्षक ही भारत के सुनहरे भविष्य को तैयार कर सकते हैं। ऐसे भी लीडर हैं कुछ जो जानते हैं शिक्षकों के बिना कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा की नींव मजबूत करनी है तो शिक्षकों को उनका अधिकार देना पड़ेगा और भविष्य के नौनिहालों को सर्वांगीण विकास के लिए अगर आप सही मायने में देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं और विश्व पटल पर अपने देश को नंबर 1 देखना चाहते हैं तो टीचर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। साथियों, आइए एक ऐसा ही वीडियो हम दिखाते हैं बरेली से एक अनुदेशक का जिन्होंने अपनी बात को सरकार के समक्ष रखा है और देखिए क्या वो कह रही हैं अपनी मांग में। प्रश्न बहुत गहरा है, इस विषय में बात ये करना चाहूँ कि जब तक मतलब ये अनुदेशक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक इनकी प्रोग्रेस आगे नहीं की जाएगी, तब तक ये खेल के टीचर कैसे बन पाएंगे। उनको उसी वेतन पे रख रहे हैं ये लोग और चाह ये रहे हैं कि खेल टीचर भी मिले, खेल भी आगे बढ़े, लेकिन बच्चे भी खिलाड़ी बने, लेकिन जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो बच्चों क्या सिखाएंगे हम। बस ये है, मतलब इनको सोचना चाहिए, जब खेल के टीचर अगर चाह रहे हैं ये लोग तो हम लोगों में से ही मतलब निकालें हम लोगों, फिर उसी वेतन पे रखते हैं, फिर आगे मतलब 9,000 में क्या कर लेंगे हम लोग।